नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा के आज के एडिशन में सबसे पहले बात रूस पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले की। रूस की राजधानी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को पर 8 ड्रोन से अटैक हुआ है। हमला उस वक्त हुआ जब मॉस्को में लोग गहरी नींद में थे। रूस का दावा है कि सभी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिए गए, लेकिन अब रूस 8 ड्रोन से हुए अटैक बदला 180 ड्रोन से लेने वाला है। यानी कि किस तरीके से मॉस्को पे आज ये बड़ा हमला हुआ है और अब पूरी तैयारी यहां पर हो रही है। रूस बदला लेने वाला है यूक्रेन से और ये बदला कितना भयानक होगा इसकी तस्वीर भी बनती हुई दिखेगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, रूस ने जब ड्रोन अटैक किया, सड़क, गली, मोहल्ला, अस्पताल, बम शेल्टर, सेना के ठिकाने, क्रेमलिन, मॉस्को के चप्पे चप्पे में इमरजेंसी सायरन। मॉस्को में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमले का खौफ पसरा है। पुतिन के सबसे मजबूत किले में खून खराबे का कोलाहल मचा हुआ है। रूस की राजधानी में हमले का कोहराम मचा हुआ है। वजह है मॉस्को पर हुआ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। मॉस्को के आसमान में एक साथ दुश्मन के कई ड्रोन मंडराने लगे। सभी ड्रोन का निशाना रूस की राजधानी था। सभी ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और ड्रोन से हुआ हमला बेअसर हो गया। लेकिन मंगलवार को मॉस्को में जो हुआ उसे दुनिया के कोने कोने में देखा जा रहा है। कैमरा ऑन, जलता आसमान, पुतिन का मॉस्को दहला, फिर हुआ हमला। तड़के हुए ड्रोन से विस्फोट, देखने वालों के उड़ गए होश। मॉस्को के आसमान में धुएं का गुबार। मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ। पुतिन के सरकारी आवास से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ड्रोन से हमला हुआ। 30 मई 2023 सुबह 4:20 मॉस्को का आसमान दहल उठा। हमले के बाद 10 मिनट तक पूरा मॉस्को ठहर गया। विस्फोट सुन जो जहां था वहीं दुबक गया। मॉस्को में लगे पैंटसेर एयर डिफेंस सुपर एक्टिव हो गए। एक एक कर मॉस्को दहलाने आए सभी हमलावर ड्रोन गिरा दिए गए। पहला ड्रोन हमला, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरा ड्रोन हमला, चौथा ड्रोन हमला। ये 4 तस्वीरें तो सिर्फ वानगी भर हैं। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। मॉस्को पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को में 8 ड्रोन घुस आए थे, जिसमें से 3 ड्रोन को रास्ते में ही भटका दिया गया, वहीं 5 ड्रोन को मार गिराया गया। запугивание граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Вахид, русский медиа, к мутабик, хамлавар дрон, кафи адиттадад. Давид, мутабик, из хамле ме 30 се зяда дрон хисса ле рахе ти. 3 ड्रोन शहर के दक्षिण पश्चिम के रिहायशी इमारतों पर गिरे। हमले में 2 लोग घायल हो गए और इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा है। वीडियो में आप टूटी हुई खिड़कियों को साफ साफ देख सकते हैं।
пять. Звук такой. А потом бум. Ну как вот врезается, как будто. Мы в окно посмотрели, ничего не видно. А потом, оказывается, под нами. Где-то в 5-10 утра услышал звук пропеллера, потом громкий хлопок, звон падающего стекла разбитого и обломки полетели. रूस के मुताबिक विस्फोट ड्रोन ने मॉस्को के केंद्र क्रेमलिन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर लेनिंस्की प्रोस्पेक्ट और प्रोसो योजनिया स्ट्रीट में फ्लैटों के ब्लॉकों पर भी हमला किया। वहीं एक ड्रोन में उसोवो गांव के पास विस्फोट हुआ जो पुतिन के सरकारी आवास नोवो ओगारियोवो से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यूक्रेन की तरफ से आई प्रतिक्रिया में रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। यूक्रेन ने इस ड्रोन को रूस की साजिश करार दिया है। वहीं रूस की मीडिया के मुताबिक मॉस्को पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने UJ-22 ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो सीधे सीधे यूक्रेन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि UJ-22 ड्रोन को UKR जेट नाम की कंपनी बनाती है। UKR जेट का दफ्तर यूक्रेन की राजधानी कीव में है। UJ-22 ड्रोन को असरदार हमलावर ड्रोन माना जाता है। ये एक बार में 800 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है, वहीं 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। बड़ा सवाल है, क्या ये बखमूत का बारूद बदला है? क्या ये यूक्रेन का पलटवार है? क्या ये जेलेंस्की का प्रतिशोध है? क्या जैसे रूस यूक्रेन को दहलाता आया है, वैसे ही अब यूक्रेन रूस को थर्राने वाला है? यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन जवाबी हमले के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि रूस में घुसकर ऐसा हमला होगा जिससे रूस दहल उठेगा? मॉस्को से लेकर रूस के सरहदी इलाकों में बारूद की आग लग जाएगी। अब तक यूक्रेन में रूस की बमबारी दिखती थी, बर्बाद होता बखमूत दिखता था, शोलों से दहलता सोलेदार दिखता था, जहन्नुम बना मारियुपोल दिखता था, लेकिन अब रूस के अंदर विस्फोट की तस्वीरें दिखने लगी हैं, रूस में घुसकर हो रहे हमले दिख रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन से अटैक दिख रहा है, मॉस्को पर 8 दिशाओं से हमला दिख रहा है। ना सिर्फ मॉस्को बल्कि मॉस्को के बाहर रूस के बॉर्डर पर बारूद बरस रहा है। तोप से हमला, रॉकेट से अटैक, प्लेन से बम बरसे, हाई मार्च से हमला, समंदर में भी लग गई आग, तपती धरती, जलता शहर, दहकते दरख्त, दहलता आसमान, आसमान में धुएं का गुबार, धराशाही इमारतें, मिलिट्री प्लांट में आग, जल उठी पुतिन के हथियार फैक्ट्री, रूस की सीमा के अंदर बरसे तोप के गोले, अप्रत्याशित हमले से रूस डोले,
ताबड़तोड़ हमले पर जोर है। सवाल है क्या रूस पर हमला अब श्योर है? बेलग्राद, ब्रायांस्क, क्रेमलिन, रूस के अंदर ऐसा हमला होगा इससे पहले किसने देखा था? रूस जैसे ताकतवर देश में घुसकर कोई उसके हथियार की फैक्ट्री में आग लगा देगा, ऐसी तस्वीर कब दिखी थी? रूस की न्यूक्लियर फोर्स को बेलग्राद से अपने परमाणु हथियारों को हटाना पड़ेगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मॉस्को में ड्रोन अटैक होगा, क्रेमलिन पर हमले की हिमाकत होगी, ये नामुमकिन जैसा था। क्या ये रूस के खिलाफ यूक्रेन के बड़े हमले का संकेत है? क्या ऐसा कर रूस को विश्व युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है? अब मॉस्को में 8 ड्रोन से हमला हुआ है, क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश हो चुकी है, यूक्रेन के खार्किव से सटे बेलग्राद में विस्फोट हुआ है, क्राइमिया से सटे रूस के इलाकों में हमला हुआ है, बेलारूस से लगे रूस के पस्कोव इलाके में तेल पाइपलाइन पर हमला हुआ है। मॉस्को पर हुए ताजे हमले के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर 6 बड़ी और ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, मॉस्को में ड्रोन अटैक और उससे पहले क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन मार गिराए गए। वजह नंबर 2, करीब 2 महीने यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर कभी भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 4, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुसर के एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 5, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगलिस एयरबेस है। एंगलिस एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 6, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।